हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द करियर एंडेवर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 11th का यूनिट 1, जिसमें आपको चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आयन। स्टूडेंट्स, आयन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयन्स में दो पार्ट होते हैं, केटायन और एनायन। अगर ये दो पार्ट केटायन और एनायन को अगर आप जान जाते हैं, तो वैलेंसी एक्सचेंज के द्वारा आप बहुत सारे केमिकल्स के फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। दैट मीन्स उसके केमिकल फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। अगर आप केटायन और एनायन नहीं जानते हैं, तो आप फॉर्मूला केमिस्ट्री में केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उसका आप नहीं लिख पाएंगे, मुख्य रूप से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आप को आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आयन, इसके पहले मैं पहले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, इंटरकन्वर्सन ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो ये सभी अगर आपको वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आयन, तो आयन को हम लोग देखें आयन क्या होता है। तो आयन के बारे में आप जानेंगे कि ये तो या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो नेगेटिवली चार्ज एटम या एटम के ग्रुप्स के रूप में होंगे। और जो आपको आयन होंगे उनको हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम और उसके ग्रुप ऑफ एटम्स हो तो हम लोग उसको हम लोग केटायन्स कहेंगे, और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स को एनायन कहेंगे। तो आगे हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। और आज जो मैं डिस्कस करूंगा आयन और आयन के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आयन्स के टाइप में मुख्य रूप से हम केटायन को डिस्कस करेंगे, और इसके आगे आने वाले जो वीडियो होगा उसमें मैं एनायन को डिस्कस करूंगा, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं आयन होता क्या है, उसको हम लोग समझते हैं। तो आयन के लिए आप ध्यान देंगे कि आयन जो होता है या ये पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। दैट मीन्स आप कह सकते हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड आयन। अब देखें आयन में आप देखेंगे इसका एग्जांपल, जैसे आप देखें H प्लस तो हाइड्रोजन आयन हो गया, मान लीजिए आप देखें लिथियम प्लस, आप यहाँ देखें Mg2+ तो ये मैग्नीशियम आयन होगा, जैसे आप यहाँ देखते हैं H3O+ तो हाइड्रोनियम आयन, ये हो गया NH4+ तो ये हो गया अमोनियम आयन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये आयन है, लेकिन मैंने यहाँ जो एग्जांपल दिया है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स का एग्जांपल दिए, दैट मीन्स ये सभी पॉजिटिव आयन है। अब देखते हैं हम लोग जैसे F- O2- आप देखें CO3 2-, NO3 1- चार्ज, इस तरह से देखें PO4 2-, ये सभी जो है आपको आयन्स के एग्जांपल है, जिसमें ये आपका पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है और ये आपको नेगेटिवली चार्ज आयन्स है। दैट मीन्स ये केटायन्स है और ये एनायन्स है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये जो आयन्स होते हैं, आयन ये दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है केटायन और दूसरा होता है एनायन। तो ध्यान रहे आयन दो तरह के, केटायन और एनायन। केटायन को हम लोग बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं और एनायन को हम लोग एसिडिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रहे केटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं, एनायन को एसिडिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब जो आपको आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो आप देखें केटायन के बारे में।
तो केटायन के बारे में आप देखेंगे तो केटायन किसको कहते हैं, तो लिखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाए उसको हम लोग केटायन कहते हैं। अब आप देखिए केटायन का एग्जांपल, एग्जांपल में देखें इसमें जो हुई होगा एग्जांपल उस पर प्लस चार्ज होगा, जैसे आप देखें एच प्लस, ये देखें लिथियम प्लस, ये देखें सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, एल्यूमिनियम थ्री प्लस, ये आपका हो गया हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ प्लस, एनएच फोर प्लस, अमोनियम आयन पीएच फोर प्लस, आपका हो गया फॉस्फोनियम आयन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है, आपको ये सभी केटायन्स के एग्जाम्पल्स है जिसमें आप देखें कि एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या ग्रुप ऑफ एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केटायन, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ केटायन, केटायन के टाइप, तो केटायन के टाइप में आप ध्यान रखेंगे ये केटायन चार तरह के होते हैं, मोनोवैलेंट केटायन, दूसरा आप ध्यान देंगे वो आपका होगा डाइवैलेंट केटायन, तीसरा जो आपका होगा वह आपका होगा ट्राइवैलेंट केटायन, और चौथा जो आपका होगा वो होगा टेट्रा वैलेंट केटायन। दैट मीन्स केटायन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। अब आप देखें कि ये जो केटायन चार तरह के होते हैं उसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं मोनोवैलेंट केटायन के बारे में। तो हम लोग देखते हैं मोनोवैलेंट केटायन किसे कहेंगे। तो मोनोवैलेंट केटायन्स में आप देखें कि मोनोवैलेंट जो केटायन है उसमें मोनो जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है वन और वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। दैट मीन्स आप जानेंगे कि वैसा केटायन जिसकी वैलेंसी वन हो उसको हम लोग नाम देते हैं मोनोवैलेंट केटायन। तो मोनोवैलेंट केटायन में आप देखेंगे कि वैसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो और ये पॉजिटिव चार्ज की संख्या एक हो तो उसको हम लोग नाम देंगे मोनोवैलेंट केटायन। तो देखते हैं हम लोग पार्ट बाई पार्ट, सबसे पहले देखें मोनोवैलेंट केटायन। तो देखें स्टूडेंट्स मोनो, मोनो जो ये प्रीफिक्स है इसका मतलब होता है वन और ये जो वैलेंट है इसका मतलब आप ध्यान रखेंगे वैलेंसी। दैट मीन्स आपको ध्यान देना है कि केटायन्स हैविंग वैलेंसीज ऑफ प्लस वन, वैसा केटायन जिसका वैलेंसी प्लस वन हो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोवैलेंट केटायन्स। अब देखेंगे मोनोवैलेंट केटायन्स का एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो वो सबसे पहले देखें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन में आप देखें ये हो गया एच प्लस, दूसरा मैंने आपको लिखा लिथियम आयन, तो ये आपका होगा एल आई प्लस, इस तरह से आप लिखते हैं सोडियम आयन, तो सोडियम आयन आपका होगा एन ए प्लस, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं पोटेशियम आयन तो पोटेशियम आयन का फॉर्मूला होगा के प्लस, आगे हम लोग लिखते हैं रुबिडियम आयन, रुबिडियम आयन इसको याद रखेंगे आरबी प्लस, इसी तरह से अगर हम यहां लिखते हैं सीजियम आयन तो ये आप देखेंगे सीएस प्लस। इसके अलावा आप देखें
जैसे मैंने यहाँ लिखा सिल्वर आयन, तो ये आपका होगा Fe प्लस। इसी तरह से मैं लिखता हूँ ऑरस आयन, तो ये आपको लिखेंगे Au प्लस। इसके बाद आप इसके और भी एग्जांपल जान सकते हैं। तो देखें, यहां मैंने लिखा क्यूपरस आयन, क्यूपरस आयन को आप लिख सकते हैं Cu प्लस। इसी तरह से आप लिखें मर्क्यूरस आयन, तो मर्क्यूरस जो आयन होगा इसको हम लोग लिखते हैं Hg2 और यहाँ 2 प्लस। दैट मीन्स यहाँ 2 प्लस है, लेकिन दो आइटम के लिए है तो एक आइटम के लिए एक होगा, तो ये हो गया मर्क्यूरस आयन। उसके बाद आप देखें ये हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला याद रखेंगे H3O प्लस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप देखें अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, तो इसको हम लोग लिखेंगे NH4 प्लस। इसके बाद हम लिख रहे हैं आपको फॉस्फोनियम आयन, फॉस्फोनियम आयन, तो इसको आप याद रखेंगे PH4 प्लस। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बताया मोनोवैलेंट कैटायन के बारे में और उसका मैंने यहाँ आपको एग्जांपल बताया, आप ध्यान से एक बार देख लें। हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, सिल्वर आयन, ऑरस आयन, क्यूपरस आयन, मर्क्यूरस आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन और फॉस्फोनियम आयन। तो ये आप देखें इतने केटायन को आप याद रखेंगे और ये केटायन जो है आपको मोनोवैलेंट केटायन है। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है आपका डाइवैलेंट केटायंस, डाइवैलेंट केटायंस। तो डाइवैलेंट केटायंस में हम लोग देखेंगे कि डाइवैलेंट जो केटायंस होगा वो क्या होगा। तो देखते हैं हम लोग डाइवैलेंट केटायंस को। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं डाइवैलेंट केटायंस। तो डाइवैलेंट, तो डाई का मतलब आपको होता है, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया डाई का मतलब होता है टू, डाई मीन्स टू, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो हम लोग इसी में आपको बता दें कि केटायंस हैविंग वैलेंसी ऑफ प्लस वन के जगह पर टू कर देंगे तो ये हो जाएगा डाइवैलेंट केटायंस। तो देखें केटायंस हैविंग वैलेंसी ऑफ प्लस टू आर कॉल्ड डाइवैलेंट केटायंस। तो डाइवैलेंट केटायंस में आपको एग्जांपल अगर याद रखना है तो आप याद रखेंगे जैसे मैंने लिखा ब्रेलियम आयन, तो ब्रेलियम आयन का फॉर्मूला आप याद रखेंगे Be प्लस प्लस, या आप Be टू प्लस, या आप इस तरह से मैं लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रेलियम प्लस टू, तीनों में से कोई भी एक रूप को आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ब्रेलियम प्लस टू, तो यहाँ आपको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टू प्लस, तो ब्रेलियम टू प्लस, ये आपका हो गया ब्रेलियम आयन। उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैग्नीशियम आयन, तो मैग्नीशियम आयन का फॉर्मूला होगा Mg2+, Mg2+। इसी तरह से लिखते हैं कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन का लिखेंगे Ca2+। इसके बाद मैं लिख रहा हूं स्ट्रॉन्शियम आयन, तो स्ट्रॉन्शियम आयन आप याद रखेंगे Sr2+। इसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर बैरियम आयन, तो बैरियम आयन आपका होगा Ba2+। ध्यान रखें कि Ba2+ लिख सकते हैं, Ba
प्लस टू लिख सकते हैं या बीए प्लस प्लस लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए मैंने यहाँ आपको लिखा जिंक आयन, तो जिंक आयन आपका हो जाएगा Zn टू प्लस। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ कैडमियम आयन, तो कैडमियम आयन जो होगा आपको Cd टू प्लस होगा। इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ आपको मर्क्यूरिक आयन, मर्क्यूरिक आयन तो याद रखेंगे Hg टू प्लस, ये आपको है मर्क्यूरिक आयन। अब हम लोग आते हैं यहाँ लिख रहे हैं फेरस आयन, तो फेरस आयन आप याद रखेंगे Fe टू प्लस। इसी तरह से मैं आपको लिख रहा हूँ क्यूप्रिक आयन, तो क्यूप्रिक आयन के लिए आप ध्यान रखेंगे Cu टू प्लस। इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको जैसे लिखे स्टेनस आयन, स्टेनस आयन तो ये आप लिखेंगे Sn टू प्लस। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कोलंबस आयन तो हम लोग लिखेंगे Pb टू प्लस। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सभी वैसे आपको एग्जांपल्स हैं जो कि डाइवेलेंट केटायन से में आते हैं, डाइवेलेंट केटायन से बिलोंग करते हैं। आप लिख सकते हैं निकेल टू आयन, दैट मीन्स ये हो गया निकेल पर दो पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से आप देखें कई एग्जांपल जिसमें पॉजिटिव चार्ज है लेकिन दो है, और जहां पॉजिटिव चार्ज दो होगा तो उसको हम लोग डाइवेलेंट केटायन्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार आप फिर से देख लें, बेरिलियम आयन बी टू प्लस, मैग्नीशियम आयन एम जी टू प्लस, कैल्सियम आयन सी ए टू प्लस, स्ट्रॉन्शियम आयन एस आर टू प्लस, बेरियम आयन बी ए टू प्लस, जिंक आयन जेड एन टू प्लस, कैडमियम आयन सी डी टू प्लस, मर्क्यूरिक आयन एच जी टू प्लस, फेरस आयन एफ ई टू प्लस, क्यूप्रिक आयन सी यू टू प्लस, स्टेनस आयन एस एन टू प्लस, कोलंबस आयन पी बी टू प्लस और निकेल टू आयन आपको निकेल टू प्लस। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपको डाइवेलेंट केटायन्स का, तो इसको आप देख लेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो होगा ट्राइवेलेंट केटायन। तो ट्राइवेलेंट केटायन्स जो होंगे उसमें आप देखें ट्राइवेलेंट केटायन में ट्राई मीन्स होता है तीन और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो हम कह सकते हैं कि वैसे केटायन जिसकी वैलेंसी तीन हो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइवेलेंट केटायन्स। तो अब आप देखिए यहाँ लिखकर समझे, यहाँ मैंने आपको थ्री लिखा और ये जो आपको है डाई को मैं चेंज कर दे रहा हूँ ट्राई में, और ये ट्राई का मतलब होगा थ्री और वैलेंट मीन्स वैलेंसी। तो आप देखें केटायन्स हैविंग वैलेंसी ऑफ प्लस थ्री, मतलब वैसे केटायन जिसकी वैलेंसी तीन हो उसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइवेलेंट केटायन्स। ट्राइवेलेंट केटायन्स के अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में देखें जैसे ये हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन तो एल्यूमिनियम जो आयन होगा Al3+, उसके बाद आप देखें इंडियम आयन, इंडियम आयन जो होगा ये आपका होगा Al3+, आप देखें गैलियम आयन तो ये होगा आपका Ga3+, उसके बाद आप देखें याद रखेंगे फेरिक आयन, तो फेरिक आयन को याद रखना है Fe3+। इसके पहले आप देखे थे डाइवेलेंट में फेरस और इसमें ट्राइवेलेंट में देख रहे हैं फेरिक। तो ध्यान रहे कि अगर एक ही एलिमेंट के आपके केटायन अलग अलग है, प्लस चार्ज अगर एक पर ज्यादा और एक पर कम है, तो जिस पर ज्यादा चार्ज रहेगा उसमें सफिक्स IC दैट मीन्स एक जुड़ता है, और अगर कम चार्ज है तो उसमें जो सफिक्स है वो यू एस जुड़ता है दैट मीन्स एस जुड़ता है। तो जैसे
आप एफी टू प्लस है तो उसको आप फेर एस आयन पढ़ेंगे, लेकिन एफी थ्री प्लस है तो आप पढ़ेंगे फेरिक आयन। तो यहाँ मैंने लिखा आपको फेरिक आयन। इस तरह से आप आगे देखें, जैसे यहाँ लिखे ऑरिक आयन, तो ऑरिक जो आयन होगा वह आपका होगा एयू थ्री प्लस। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रोमियम आयन। तो ये जो क्रोमियम आयन होगा इसका फॉर्मूला आप देखेंगे Cr थ्री प्लस। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ मैंने आपको बताया जो आपको ट्राइवेलेंट केटायंस है। तो ट्राइवेलेंट केटायंस को एक बार फिर से देख लें, एल्यूमिनियम आयन एल थ्री प्लस, इंडियम आयन आई एन थ्री प्लस, गैलियम आयन आपको जी एन थ्री प्लस, आपको फेरिक आयन एफ टी थ्री प्लस, ऑरिक आयन ए यू थ्री प्लस, क्रोमियम आयन सी आर थ्री प्लस। अगर और आप लिखना चाहते हैं तो जैसे देखिए सेलियम आयन जो कि एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट, सेलियम एफ ब्लॉक का पहला एलिमेंट है फोरेफ सीरीज का, इसका होगा सी थ्री प्लस। इसी तरह से आप ध्यान में रखेंगे बहुत सारे केटायंस होंगे जिसको में जो इम्पोर्टेंट है आपको यूज में आएगा उसको मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। तो ध्यान में रखेंगे ट्राइवेलेंट केटायंस। तो स्टूडेंट्स मैं जो केटायंस का अगला टाइप डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपका चौथा होगा, और वो चौथा जो है उसको हम लोग नाम देते हैं टेट्रावेलेंट केटायंस। तो टेट्रावेलेंट केटायंस में देखेंगे कि टेट्रावेलेंट केटायंस हम लोग किसको कहेंगे। तो टेट्रावेलेंट केटायंस को समझने के लिए आपको जैसे मैं पहले बता रहा था उसी तरह से आप अभी इसको देखेंगे। ये जो टेट्रा है इस टेट्रा का मतलब होता है फोर। तो ध्यान रखें टेट्रा मीन्स फोर, तो टेट्रावेलेंट केटायन वैलेंट मीन्स हो गया वैलेंसी, टेट्रा मीन्स फोर। दैट मीन्स टेट्रावेलेंट केटायंस वैसे केटायंस होते हैं जिसकी वैलेंसी यहाँ तीन से घटाकर मैं चार कर दे रहा हूँ चार होगा। तो वैसा केटायंस जिसकी वैलेंसी चार हो उसको हम लोग नाम देते हैं टेट्रावेलेंट केटायंस। और टेट्रावेलेंट केटायंस का एग्जाम्पल आप देखेंगे जो आप समझे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ लिखा सिलिकॉन आयन। तो जो सिलिकॉन आयन होता है ये होता है एसी पर फोर प्लस चार्ज होगा, एसआई पर फोर चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ जर्मेनियम आयन। तो ये जो जर्मेनियम आयन है इसका आप लिखेंगे जी प्लस फोर या फोर प्लस। उसके बाद आप देखें एस्टेनिक आयन, तो एस्टेनिक जो आयन होगा इसको हम लोग लिखेंगे एस एन प्लस फोर या फोर प्लस, या हम लोग